बयान पढ़ा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि लगातार बारिश होती है और दुर्भाग्य है कि नोएडा में बाकी जगह बारिश नहीं हो रही थी। जहां वो होटल में ठहरे थे वहां बिल्कुल ठीक था मौसम, जैसे वो ग्राउंड में जाते थे वहां लगातार 3 दिन बारिश होती रही और बीसीसीआई की तरफ से उनको 3 जो ग्राउंड से उपलब्ध करवाए गए थे, या बेंगलोर में करवा सकते थे, नोएडा में करवा सकते थे या कानपुर में करवा सकते थे, ये उन्हीं का फैसला था क्योंकि उनके फैंस के लिए दिल्ली में आना आसान रहता, लॉजिस्टिक उस तरीके से उनके लिए फायदेमंद रहता और उनको लगता था कि कॉस्ट भी वहां कम होगी, इसलिए उन्होंने ये मैदान चुना था। अनफॉर्चुनेटली ये तो मतलब ईश्वर का ये था कि बारिश वहां हुई और लगातार 3 दिन होती रही। बीसीसीआई ने हमेशा से अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और वो ये लोग मानते भी हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं थी और मैचेस के लिए वो नहीं करवा पाते जैसे काबुल में और अफगानिस्तान में हालात हैं, इसलिए जब जब जो जो सहयोग बीसीसीआई से उन्होंने मांगा है उन्हें दिया गया है और हमारा बहुत अच्छे संबंध अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, उनको भी लगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर उन्होंने ही कोई दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट की होती तो शायद मैच हो सकता था, लेकिन बारिश हुई और अनफॉर्चुनेटली। देखिए अगर हम वुमेन क्रिकेट की बात करें तो पिछले 1 दशक से वुमेन क्रिकेट बहुत ऊंचे स्तर पर आया है, जिस तरीके की कॉम्पिटिटिव गेम्स हो रही है, इनिशिएटिव बीसीसीआई ने लिया था पे पैरिटी का भी, वुमेन क्रिकेटर को भी आज उतनी ही मैच ही मिलती है जितनी मेल प्लेयर को मिलती है और हमने WPL की सक्सेस देखी, अन्य भी जो लीग्स चल रही जैसे बिग बैश चल रही है, इंग्लैंड में 100 क्रिकेट चल रही है, तो उसमें एक नया एनर्जी आई है वुमेन क्रिकेट में और हमने वुमेन वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा है बहुत अच्छे मैचेस में, बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स हुए। उसी को आगे जारी रखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में हमने फैसला लिया कि U19 वुमेन वर्ल्ड कप भी करवाया जाना चाहिए ताकि वही प्रतिभा आगे जाके जो सीनियर वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेलेगी, जैसे मैं मानता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसका बहुत ज्यादा फायदा नई जो प्रतिभागी हैं और जो नई स्पर्धा होगी वुमेन क्रिकेट में उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी बच्चियों को मिलेगा।